ये प्यारा सा कलरफुल आई मेकअप आप लोग देख रहे हो ना अब आप आपका मन कर रहा होगा कि हम भी इसको क्रिएट करते हैं तो चलो इसको क्रिएट करने का बहुत इजी मेथड बताती हूँ सबसे पहले आई बेस बना लिया है और उसके बाद मैंने क्या किया कि ये पर्पल कलर का शेड लिया और जो आई पैलेट है ना बहुत ही सस्ती है स्विस ब्यूटी की है तो इस तरीके से लिया है मैंने ये कलर और इसको क्रीज लाइन पर इस तरीके से अप्लाई कर दिया अब पिंक कलर का शेड लूंगी और पिंक कलर के शेड से इसको क्या करूंगी मैं ब्लेंड कर दूंगी ब्रश मैंने जो यूज किया है वो है प्रॉस ब्यूटी का जिसके की ब्रशेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो इस तरीके से जहां जहां ब्लेंड... पर आप लोगों को ब्लैंडिंग करनी है वहां वहां पर आप लाइट शेड लेंगे जो हमने क्रीज लाइन पर कलर लगाया था ना उससे भी लाइट शेड लेंगे और ब्लैंड करते रहेंगे ये देख सकते हैं यहाँ पर आउटर साइड से भी मैं इनर की तरफ आते हुए ब्लैंड करूंगी जो हमारा आउटर वी वाला पोर्सन है उसको भी मैं ंड कर दूंगी इस तरीके से प्रोडक्ट कितनी बार मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट हल्का हो रहा है इसलिए मैं और ज्यादा उसको ले रही हूँ अब मुझे बनानी है यहाँ पर कट क्रीज क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब बहुत सारे कलर्स का यूज होता है तब हमें कट क्रीज बनानी पड़ती है तो इसमें देख सकते हैं कितने कलर थे अब इसमें बनाएंगे हम कट क्रीज ठीक है कट क्रीज बनाने के लिए हमें हमने एक छोटा फ्लैट ब्रश लिया और कंसीलर लिया जो कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का और जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऐसे ही लोकल एक किट थी मेरे पास उसका ब्रश है ठीक है इस तरीके से हमने यहाँ पर कट क्रीज बनाई और कट क्रीज को पूरी तरीके से फिल कर दिया ये देख सकते हैं अब प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद मतलब प्रोडक्ट डिपॉजिट करने के बाद उसको ब्लेंड करना भी जरूरी होता है इसलिए हम इस कंसीलर को ब्लेंड कर देंगे और क्रीज देख सकते हैं कि मैंने कहाँ तक क्रीज बनाई है जहाँ तक मुझे कलर्स चाहिए वहाँ तक मैंने कट क्रीज़ बनाई है अब इसको ब्लेंड करने के बाद क्या करूँगी मैं कलर यहाँ पर डिपॉजिट करूँगी आउटर कॉर्नर में मैंने वही पर्पल कलर लिया और उसको डिपॉजिट कर दिया अब आप देख सकते हैं कि जो पिंक का लिया था मैंने और इस वाले कलर में देखो कितना डिफरेंस है और आपको विजिबल हो पा रहा होगा पता चल रहा है कि दोनों कलर अलग अलग है मैंने स्काई ब्लू कलर का यहाँ पर मैट आई साइडो लिया है और सेकंड नंबर पर इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया और एक छोटे ब्रश से ब्लेंडिंग करते हुए इसको मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर रही दिया उसके बाद मैंने ये सी ग्रीन कलर लिया जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और इनर कॉर्नर पर मैंने ये येलो कलर लिया जो कि बहुत ही ग्रेस दे रहा है इस आई मेकअप में अब जहां पर कोई भी हार्श लाइन दिख रही थी वहां पर मैंने उसको ब्लैंड किया और आउटर कॉर्नर पर मैंने यहाँ पर विंग्ड लाइनर अप्लाई किया अब आप देख सकते हैं कि इतना कलरफुल आई मेकअप करने के बाद इतना सारा कलर डिपॉजिट हो जाता है फॉल

फॉल आउट हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया है उसके बाद अब देख सकते हैं कि ये रहा हमारा final look और कॉमेंट में आप लोगों को बताना है कि आपको ये colorful eye makeup कैसा लगा और और भी ज़्यादा आपको कलरफुल आई मेकअप देखने हैं हैं या फिर देखने इस look को आप लोग ज़रूर करना जो भी recreate करके मुझे tag करेगा मैं उसके स्टोरी मेंशन करूंगी, पर आप मुझे इसको एक